हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 4 का ए नंबर, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड बाय C++। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था ना कि इसमें ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट का ही अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये भी ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पर्सन हु एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर, अ हस्बैंड एंड एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वर्ड वो आया है मेनी फॉर्म से, मतलब एक एक रूप जिसका अलग अलग, मतलब एक इंसान का जो अलग अलग अवतार में रहता है ना, मतलब जिनका अलग अलग रूप होता है उस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि वी डिफाइन द पॉलीमर एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी है जो एक ही तरह का मैसेज को अलग अलग फॉर्म में शो करता है। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, तो एक इंसान, कोई भी इंसान, एक फॉर एग्जांपल मेल, एक ही टाइम पे अलग अलग चीज़ हो सकता है, अलग अलग उसका कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेल, तो वो एक समय पे फादर भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी का ब्रदर भी हो सकता है, वो किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, वो किसी का सन भी हो सकता है ना, या फिर वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, समझे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि कोई भी मैसेज वगैरह को हम लोग जब मोर देन वन फॉर्म में उसको डिस्प्ले करते हैं, तो वही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखिए उसमें पूछा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म C++ सपोर्ट्स टू मेन टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम। ठीक है, तो चलिए कंपाइल टाइम को देख लेते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी। ठीक है, तो देखिए दिस अकर्स व्हेन द कंपाइलर सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फंक्शन और ऑपरेशन टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट यूज। ठीक है, यानी कि कंपाइल टाइम जो होता है ना, जब कंपाइल के टाइम पे ही फंक्शन और या ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, जो भी उसका काम होता है उस हिसाब से, यानी कंपाइल टाइम के पे ही। ठीक है, फॉर इंस्टेंस फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ अस टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स। द कंपाइलर डिटरमाइंस विच वर्जन टू यूज बेस्ड ऑन द पैरामीटर पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल में हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या, फंक्शन का नाम सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, जिसमें एक सम फंक्शन बनाया हो जिसमें दो पैरामीटर है। ठीक है, एक ए और बी है, यानी उसमें दो नंबर का एडिशन होता है, और एक फिर सेम मैं फंक्शन बनाया हूँ सम नाम का, जिसमें तीन नंबर का एडिशन होता है, यानी ए बी सी का। तो देख रहे पैरामीटर दोनों का अलग अलग है लेकिन नाम सेम है। तो कंपाइल टाइम में क्या होता है ना, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब उसमें आप वैल्यू डालोगे, तो जो आप जिस तरह से वैल्यू डालोगे, यानी कि आप मैंने सम को कॉल किया हो और उसके अंदर 5.7 दिए हो, तो कंपाइल टाइम के वक्त ही वो समझ जाएगा कि आपने वो दो पैरामीटर वाला जो बनाया है फंक्शन, उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब वही अगर आपने सम में 5.6.7 दे दिया है, तो वो समझ जाएगा कि आपने 3 पैरामीटर वाला यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि ये कंपाइल टाइम के वक्त ही आपका पता चल जाता है कोड को। ठीक है, सिमिलरली ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेट अस रीडिफाइन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर लाइक प्लस और माइनस फॉर कस्टम टाइप्स अलाउइंग दम टू वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेंट्स। और हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी जाने, ये भी देखिए कंपाइल टाइम के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, इसी में एक अलग क्वेश्चन भी बन जाएगा कि देखिए जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है वो कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है। ठीक है, तो आप पहले फंक्शन ओवरलोडिंग बता दोगे, फिर उस बता दोगे कि भाई ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन भी होता है, आपसे कभी डायरेक्ट पूछ लेगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, समझे। तो सिंपल समझिए, जब हम लोग कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन करते हैं, जब वो कंपाइल टाइम पर ही उसका चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए फंक्शन ओवरलोडिंग का भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो देखिए दिस अकर्स व्हेन द एप्रोप्रिएट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इज सेलेक्टेड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप रेदर देन इट्स डिक्लेयर टाइप। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, तो जब वो रन टाइम के वक्त में, यानी कि जब वो हम लोग जब कोड को रन करेंगे, तब वो जिस तरह से बिहेव करेगा उसको कहते हैं
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रन टाइम। जब जो जब हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, जब वो रन टाइम मतलब कोड को जब हम लोग रन कर देंगे, उस वक्त जब वो कोड में कुछ चेंजेस होगा ना, तो उसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे इट्स अचीव थ्रू वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस। अ वर्चुअल फंक्शन इज अ बेस क्लास कैन बी ओवर रिडन इन अ डिराइव क्लास अलाउइंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द फंक्शन टू बी कॉल्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए रन टाइम का क्या होता है ना, जैसे कि आपने कोई भी एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है ना कि बेस क्लास में हो सकता है कि आपने उसका टाइप वगैरह अलग दिया हो, उसका डेटा टाइप अलग है, उसका वैल्यू अलग है, उसका फंक्शन अलग काम कर रहा है, लेकिन आपने जब उसका डिराइव क्लास बनाया है ना, तो उसमें आपने डिफरेंट वर्जन यूज़ किया है उसी फंक्शन का, ठीक है। तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट का टाइप को बदल दिया है। तो रन टाइम में क्या होता है ना, ये चीज़ें फंक्शन जब पूरा कोड रन होने लगता है ना, तब आपका देखता है कि आप किस तरह का चीज़ उससे डिमांड कर रहे हो, और उस वक्त वो या तो अपना डिराइव क्लास वाला से ले लेगा या फिर जो बेस क्लास का उस हिसाब से यूज़ करेगा, समझे। तो थ्रू इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिराइव क्लास कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास इनेबलिंग पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। दिस अलाउ फॉर मोर जेनेरिक कोड दैट कैन बी वर्क विथ वेरियस डिराइव क्लास विदाउट नीडिंग टू नो देयर स्पेसिफिक टाइप्स, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का तो आप लोगों को पता ही है, मैं वही लिखा हूँ मैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ऊपर का चीज़ों को है ना, मतलब दूसरे क्लास की चीज़ों को, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को अपने अंदर, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ को ले लेना, वही होता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी हम लोग का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ही अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, रन टाइम और कंपाइल टाइम, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सेम टू सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें मैं पहले बता दिया था कि सेम टू सेम ही रिपीट करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फंक्शन ओवर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवर लोडिंग, ठीक है। तो हम लोग तो पूछ रहा है फंक्शन ओवर राइटिंग क्या होता है, फिर पूछ रहा है फंक्शन ओवर लोडिंग भी क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी तक कैसे ऑपरेटर ओवर लोडिंग आ गया है, फंक्शन ओवर लोडिंग आ गया है, ओवर राइटिंग आ गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ओवर राइटिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस फंक्शन ओवर राइटिंग अलाउ अ डिराइव क्लास टू बी रीडिफाइंड फंक्शन इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स बेस क्लास। फंक्शन ओवर राइडिंग में मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का ही पार्ट है ये भी, ठीक है। यानी कि ऊपर जो क्लास फंक्शन बना है उसको ही फिर से रीडिफाइन करके बेस क्लास मतलब डिराइव क्लास में फिर से यूज़ करना है, या फिर कुछ कुछ उसके अंदर चेंजेस कर देना, तो वही होता है फंक्शन ओवर राइडिंग। यानी कि फंक्शन को ओवर राइड कर देना, यानी कि उसके ऊपर अलग लिख देना, ठीक है। दिस मीन्स द डिराइव क्लास प्रोवाइड्स इट ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन विच कैन बी डिफर फ्रॉम द बेस क्लास बिहेवियर, ठीक है। तो फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होता है, जैसे डिराइव क्लास पेरेंट क्लास आपको पता है, बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास, और डिराइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो इसमें ओवर फंक्शन ओवर राइडिंग होता है, यानी कि आपने पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन बनाया जिसका कोई कोई प्रॉपर्टी है वो किसी चीज़ पे काम करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवर राइडिंग में क्या करेगा, जब आप डिराइव क्लास यानी चाइल्ड क्लास बनाओगे ना, तो आप चाहोगे तो उस फंक्शन में कुछ कुछ चेंजेस चेंज कर सकते हो। मान लीजिए उसका डेटा टाइप चेंज कर दोगे, जैसे पेरेंट वाले क्लास में इंट का कुछ हो रहा था, इसमें आपने कैरेक्टर का कुछ कर दिया, तो यही होता है हम लोग का फंक्शन ओवर राइडिंग। तो इसमें क्या हो सकता है कि दोनों चीज़ अलग हो सकता है, यानी डिराइव क्लास वाला फंक्शन वो अलग काम कर सकता है और बेस क्लास वाला अलग काम कर सकता है, ठीक है। तो वो हो गया सिंपल फंक्शन ओवरराइडिंग का। अब पूछ रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एग्जांपल देने के लिए, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ अस टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स, ठीक है। द कंपाइलर डिटरमाइंस विच वर्जन टू यूज बेस्ड ऑन द पैरामीटर पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अभी सेम हम लोग ऊपर ये इसमें फंक्शन इसमें रन टाइम में हम लोग देखे थे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, वही चीज़ है, ठीक है। कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन जिसका नेम सेम होता है लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर होता है डिफरेंट पैरामीटर होता है, सिंपल ही हो गया, नाम सेम पैरामीटर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल लिए थे सम का हम लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है, कंपाइलर जब हम लोग रन करते हैं तो कंपाइल टाइम के वक्त में ही डिटरमाइन हो जाता है कि कौन सा हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन का, है ना। जैसे अभी हम लोग बताए थे ना, 2 और 3 वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एग्जांपल भी कैसे लिखते हैं। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये तो हेडर फाइल है, एज इट इज़ दे दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं एक फंक्शन बनाया हूँ ऐड नाम का, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा इंट ऐड, इसके अंदर देखिए मैंने ये दिया है, ठीक है, पैरामीटर इंट ए और बी, यानी कि ये दो का सम करके देगा हम लोग को। तो इसमें क्या हो रहा है अंत में, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है ए प्लस बी, ठीक है, यानी ये दो वैल्यू का सम को रिटर्न कर रहा है। अब देखिए मैंने सेम फंक्शन फिर से बनाया है इंट ऐड नाम का, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों का है कमेंट, इस पर ध्यान मत दीजिए, कमेंट बस आपकी सुविधा के लिए लिख दिए। तो फंक्शन ओवरलोडिंग देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वही सेम है इंट ऐड, फंक्शन का नाम सेम है लेकिन इसके अंदर वैल्यू मतलब पैरामीटर कितना है,
तो तीन है, यानी ए बी और सी। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसमें तीन वैल्यू का सम रिटर्न होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेम नाम का फंक्शन लेकिन उसका पैरामीटर अलग। अब देखिए मेन में आ गए, अब हम लोग क्या किए, इंट सम टू, ये मेरे वेरिएबल का नाम है सम टू, यानी कि मैं दिखाना यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपकी सुविधा के लिए दिखा रहा हूँ कि ये सम टू जो है ये क्या करेगा, पहला वाला पैरामीटर को चलाएगा, पहला वाला फंक्शन को चलाएगा जिसमें दो नंबर का ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, इंट सम टू में ये वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड नाम का जो फंक्शन है ना उसको कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐड नाम का फंक्शन है ना, ऐड, और उसके अंदर मैंने फिर दो पैरामीटर डाल दिया है, 5 और 7। अब ये 5 और 7 क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने 5 और 7 डाला है ना, कंपाइल टाइम जो हम लोग कंपाइल करेंगे तब समझ जाएगा कि ये सम टू में मैं कौन सा फंक्शन चलाना चाह रहा हूँ, तो ये दो पैरामीटर वाला, समझे, जब मैंने 5 7 डाला तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल द टू पैरामीटर ऐड फंक्शन, है ना। उसके बाद फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट सम 3 नाम का, और इसमें भी मैं ऐड फंक्शन चला रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने तीन वैल्यू डाल दिया है, 3 2 4। तो कंपाइलर समझ जाएगा भाई कि ये वाला फंक्शन को यूज़ कर रहा है, समझे, जिसमें तीन वेरिएबल है। तो अब इससे क्या होगा, सम टू में ये फिर ऐड वाला फंक्शन जाएगा 5 और 7 वाला, इसमें चला जाएगा, तो ए की जगह पे 5 आ जाएगा, बी की जगह पे 7 आ जाएगा, और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न 5 प्लस 7। ठीक है, तो 5 प्लस 7 जितना भी होता है 12, तो वो आ जाएगा हम लोगों का सम टू के अंदर, समझे। और फिर हम लोग लास्ट में अपना सी आउट कर देंगे, सम ऑफ टू इंटीजर और उसके अंदर सम टू और एंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 12, और सम ऑफ थ्री इंटीजर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 4, है ना, 3 तो 5 प्लस 4 9, तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 9, समझे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रिटर्न हो जाएगा वैल्यू, सम ऑफ टू इंटीजर 12 और सम ऑफ थ्री इंटीजर 9। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी आया था और मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाउ इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंटेड इन C++, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास चलिए देख लेते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++ इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इनिशलाइज इनिस्टेट ऑन इट्स ओन बिकॉज इट्स कंटेन वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद से नहीं क्रिएट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों का एक या एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। अब देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इन अ बेस क्लास बट डज नॉट प्रोवाइडेड एन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इंस्टेंट इट इज इंटेंड टू बी ओवरराइडन बाय डिराइव्ड क्लासेस देयर बाय मेकिंग द बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ना, इज अ वर्चुअल फंक्शन होता है जो कि बेस क्लास में बनता है। ठीक है, मतलब कोई क्लास एक फंक्शन है जो बेस क्लास में बना, यानी कि पेरेंट क्लास में बना, लेकिन उसके अंदर कुछ भी हम लोग डिराइव नहीं किए, मतलब वो बस वो एक फंक्शन बनाए हैं उसको। ठीक है, लेकिन उसके अंदर का कोई भी काम नहीं किया, जैसे कि रिटर्न ए प्लस बी कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने कोई काम नहीं किया है, तो वो हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बस हम लोग लिख दिया है, फंक्शन बना दिया है, लेकिन उसको हम लोग ओवरराइड कर देंगे किसमें, डिराइव क्लास में, यानी कि चाइल्ड क्लास में। तो इससे क्या हो जाता है कि बेस क्लास जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं था। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये तो सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। ठीक है, तो ये मैंने क्लास बनाया है किस नाम का, शेप नाम का, नाम कुछ भी हो सकता है, शेप मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को मैं कॉल कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन के आगे हम लोग का वर्चुअल लगता है कीवर्ड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ये भी प्रीवियस में आया है, और मैंने इसमें उसमें भी पॉइंट पॉइंट में आपको बताया कि कैसे वर्चुअल फंक्शन डिराइव होता है, समझे। तो अगर आपने ये BCS 31 का दिसंबर 23 का देख रहे हो, तो इससे पहले का भी मैं एक सॉल्यूशन करवा दिया हूँ, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, चाहे आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, उससे क्या होगा ना, आपको हर तरह का क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा और आप खुद से लिख के आ पाओगे, छोड़ोगे कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने शेप बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को कॉल कर दिया, वर्चुअल डबल ये मेरे डेटा टाइप है, और कैलकुलेट एरिया। ठीक है, अब देखिए मैंने कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, देख रहे, सिंपल बस बना है, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैंने वही बोला था ना कि सिर्फ बना देना है, शेप नाम का देखिए, अभी इसको बेस क्लास समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो है कैलकुलेट एरिया, ये हो गया हम लोग का प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ काम नहीं किया है। अब चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक डिराइव क्लास बनाया है, ये जो क्लास शेप है उसके अंदर मैंने उसका एक डिराइव क्लास बनाया है, क्लास रेक्टेंगल नाम का। ठीक है, तो ये हो गया क्लास रेक्टेंगल, और आप लोगों को पता है डिराइव क्लास कैसे बनता है, तो क्लास रेक्टेंगल डिराइव क्लास का नाम, और कहाँ से ये डिराइव्ड हो रहा है, यानी कि इसका पैरेंट कौन है, तो वो शेप है ना, शेप क्लास से बन रहा है।
तो कोलन पब्लिक शेप, इसके अंदर आप देखिए ये हम लोग का बन गया है रेक्टेंगल क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिया है, लेंथ और वेट नाम का, डबल डबल लिया हूँ ताकि लेंथ तो पॉइंट में भी हो सकता है ना, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने डबल लिया। आप इंटीजर टाइप भी लेंथ का ले सकते हो, है ना, आप लोग इंटी लीजिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दो बनाया है वेरिएबल, लेंथ और वेट, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कैसे रेक्टेंगल वगैरह का निकला जाता है एरिया वगैरह, इसलिए हम लोग लिए हैं लेंथ और वेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पब्लिक बनाया है और यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर। जानते हैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पढ़ चुके हैं यार हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाना। तो देखिए कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, तो ये रेक्टेंगल आप लोगों को पता है जो जो क्लास है उसी नाम सेम ही होता है कंस्ट्रक्टर का, तो रेक्टेंगल है। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल, दो पैरामीटर लेना होगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है लेंथ और विड्थ, दो पैरामीटर है। तो मैंने ले लिया है एक लेंथ डबल एल, ठीक है, मेरे इसका नाम है, और डबल डब्लू, ठीक है, ये एल फॉर लेंथ, डब्लू फॉर विड्थ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लेंथ को क्या कर दिया है, आई से डिनोट कर दिया है, और विड्थ को डब्लू से, ठीक है। इसको अगर आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो उसमें बहुत बार कंस्ट्रक्टर का मैंने यूज़ किया है, तो आप समझ जाओगे। इसको आप अलग ढंग से भी लिख सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल डबल इंट, और यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे, है ना, जैसे ये ओपन किया ना ऐसे, इसको ऐसे खींचो करके कर रहे ना, उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू एल और विड्थ इज इक्वल टू डब्लू, ऐसे करके भी कर सकते हो, या फिर ऐसे सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। ये बन गया हम लोग को कंस्ट्रक्टर, जैसे क्या हो गया, एल का वैल्यू लेंथ पे चला गया और विड्थ का वैल्यू डब्लू पे चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेट एरिया फंक्शन, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ हम लोग कैलकुलेट एरिया फंक्शन बनाए थे, उसमें कुछ काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो कैलकुलेट एरिया बनाए हैं उसके अंदर अब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल कैलकुलेट एरिया कॉन्स्ट ओवरराइड, हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग कॉन्स्ट जीरो रखे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट ओवरराइड कर रहे हैं, उस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब देखिए काम कर रहे हैं कैलकुलेट एरिया में, क्या काम कर रहे हैं, रिटर्न कर दो लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया ऐसे फाइंड होता है, तो ये हो गया हम लोगों का लेंथ इंटू विड्थ। अब ये काम हम लोग का कर रहा है, कैलकुलेट एरिया वाला जो फंक्शन है अब प्रॉपर काम करेगा। अब इसके अंदर का जो मेन पर्पस है वो हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बना दिए थे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं। अब देखिए डिराइव क्लास, मैंने एक और डिराइव क्लास बना लिया सर्कल, जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए थे ना, ये रेक्टेंगल बनाए थे, और मेन तो हम लोग का शेप है, तो पता ही शेप का अंदर ही सब आता है, रेक्टेंगल हो गया या फिर सर्कल हो गया। तो देखिए फिर से वही सर्कल क्लास बनाए, कहाँ से बनाए हैं, तो पेरेंट तो इसका शेप ही है, है ना। फिर वही इसके अंदर एक ही लेंगे रेडियस फाइंड करने का, आप लोगों को पता है फॉर्मूला कैलकुलेट एरिया कैसे फाइंड होता है, एरिया रेडियस। तो हो गया पब्लिक, फिर वही कंस्ट्रक्टर बना, सर्कल डबल आर, एक ही वेरिएबल मतलब एक ही पैरामीटर जाएगा ना, क्योंकि एक ही तो ले रहे हैं हम लोग रेडियस, ठीक है। अगर आप चाहते तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो भी चलता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो पहले ही बन चुका है, तो आप ये पूरा यहाँ से भी कंस्ट्रक्टर को पूरा हटा सकते हैं ये वाला लाइन, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे से भी ये पूरा चीज़ हटा सकते हैं, इसकी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि ये हो, ओके। तो ये हो गया, इन दोनों को हटा सकते हैं। और अब देखिए वही फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट एरिया जो फंक्शन बना है उसको फिर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था भाई, मैंने मेन क्लास में पेरेंट क्लास में बना दिया है एक फंक्शन, लेकिन उसको मैंने बस छोड़ दिया है, कुछ काम नहीं किया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर डिराइव क्लास में अलग अलग चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, वो एक बार फंक्शन बना दिया हूँ, अब मैं अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ। एक में देखिए, आप देखिए कैलकुलेट एरिया मैंने सेम किया है, कॉन्स्ट ओवरराइड किया हूँ, और इसके अंदर क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को पता है कि सर्कल का कैसे फाइंड होता है एरिया, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, है ना, तो पाई बाई फोर पाई बाई पाई इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो वही है, तो 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, आर स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस। तो ये हो गया हम लोगों का कैलकुलेट एरिया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल वाला में कौन सा फंक्शन कैलकुलेट एरिया में क्या काम कर रहे हैं, तो ये 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, और इसमें क्या कर रहे थे, लेंथ इंटू विड्थ, समझ रहे, एक ही फंक्शन है लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि डिराइव क्लास है, डिराइव क्लास में हम लोग एक मेन में बना दिया तो उसको फिर अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का चीज़ें, समझे। अब देखिए इंट मेन में आ गए, बना लिए, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये लोग तो सिर्फ क्लास बनाए थे, तो हम लोग का पहला क्लास क्या था, रेक्टेंगल वाला क्लास था, है ना, ये जो क्लास था यहाँ रेक्टेंगल वाला क्लास जो था, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल का फाइंड कर रहे थे एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए रेक्टेंगल बनाए, ये मेरे क्लास का नाम है, उसके अंदर का ऑब्जेक्ट ये है, मैंने रेक्टेंगल लिखा है स्मॉल लेटर में, रेक्टेंगल ये मेरा नाम है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, आर दे सकते थे, ए बी सी कुछ भी दे सकते थे, और इसके अंदर मैंने दो वैल्यू डाल दिया है फाइबर फोर का, ठीक है। आप लोगों को पता है फाइबर फोर क्या हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को लेंथ और विड्थ का वैल्यू चाहिए ना, तो
लेंथ हो गया हम लोग का 5, विथ हो गया 4, और यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा लेंथ इंटू 4, 5 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ इसी तरह से सर्कल का भी हम लोग बना लिए, सर्कल ये मेरे क्लास का नाम है, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है सर्कल, और इसके अंदर मैंने रेडियस का वैल्यू 3 दे दिया। बस यहाँ से मैंने सी आउट करवा दिया, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वाला कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट के में, कौन सा कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल में, सर्कल वाले ऑब्जेक्ट में यानी इस ऑब्जेक्ट में कौन सा कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन कॉल कर दिया, और कैलकुलेट एरिया दोनों का हम लोग को एरिया फाइंड करके दे देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस क्या है हम लोग का 3, तो 3 इंटू 3, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.26। तो इस तरह से समझे, हम लोग एक बार क्लास बनाए, वर्चुअल फंक्शन बनाए, और फिर उसको अलग अलग डिराइव क्लास में अलग अलग ढंग से यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ अपेंडेड बिफोर अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर अ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन यू क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल। देखिए वेरिएबल हम लोग नॉर्मल बना रहे ए बी सी कुछ भी जो बनाते हैं इंट ए बी सी, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जब भी हम लोग किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है हम लोगों का स्टैटिक वेरिएबल। सिंपल, अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यूज अक्रॉस फंक्शन कॉल और क्लास क्रिएशन। तो स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है पूरे फंक्शन कॉल में, जहाँ पे भी फंक्शन हो, कोई भी क्लास हो, कहीं पे भी रहे, तो स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा सेम रहता है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशलाइज ओनली वंस व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एग्जिट अनटिल द प्रोग्राम इज टर्मिनेट, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल शुरू के प्रोग्राम के शुरू ही में बनता है और एकदम अंत तक रहता है और सेम वैल्यू रहता है, स्टैटिक वाला वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, समझे। ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। अब पूछा है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे पूछा स्टैटिक कीवर्ड का क्या क्या यूज़ होता है, तो हम लोग अगर स्टैटिक वेरिएबल बना देते हैं तो ये हो जाता है, और एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन स्टैटिक इज प्लेस्ड बिफोर अ मेंबर फंक्शन इन अ क्लास डिफिनेशन इट बिकम अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जब हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं और उसके आगे अगर स्टैटिक लगा देते हैं तो वो बन जाता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है ना, उसका क्लास नेम से भी हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके जरूरी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट का हम लोग को जरूरत ही पड़े, ठीक है। दे कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन ऑफ द क्लास एंड डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, स्टैटिक मेंबर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अदर स्टैटिक मेंबर्स को, वेरिएबल फंक्शन को उसी क्लास के अंदर, और उसके और फिर हम लोग किस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा को, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टैटिक मेंबर फंक्शन। और भी होता है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ये तीन का तीन ही लिखो, आप हो सकता है पहला वाला लिख देंगे स्टैटिक वेरिएबल लिख देंगे, आप हो सकता है ये लास्ट वाला लिख देंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स, या फिर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं, कोई भी दो लिखिए, ज़रूरी नहीं है। मैं तो अपना अच्छा वाला बता दिया जो एकदम मैक्स लिख सकते हो आप। अब देखिए एक और होता है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स, तो ये क्या होता है, इनसाइड अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन के अंदर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन क्रिएटेड, ठीक है। तो वही है, किसी फंक्शन के अंदर जब हम लोग किसी वेरिएबल का आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो बन जाता है हम लोग का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स आर इनिशलाइज ओनली वंस द फर्स्ट टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड एंड रिटेन देयर वैल्यू अक्रॉस सब सिक्वेंट कॉल्स, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी एक ही बार बनता है फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन जब भी कॉल होता है तब वो वैल्यू उसका रिटेन ही रहता है, यानी कि सेम ही रहता है, चाहे फंक्शन को कितनी बार भी कॉल करे, यहाँ करे, वहाँ करे, आगे करे, उसका जो फंक्शन वैल्यू है वो सेम ही रहेगा स्टैटिक वाले वेरिएबल का, ठीक है। दे हैव स्कोप लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड बट प्रिसिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अनलाइक रेगुलर लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए दे हैव स्कोप लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच, तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है ना, जिस फंक्शन के अंदर आपने स्टैटिक फंक्शन को बनाया है ना, मतलब वेरिएबल को बनाया, वो उसी फंक्शन के अंदर रहेगा, उसके बाहर उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसका काम खत्म, ठीक है। लेकिन वही अगर लोकल वेरिएबल, मान लीजिए मेन के अंदर आपने इंट मेन के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया,
तो फिर आप उसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, कोई भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो, कोई भी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में क्या होता है, मेंबर वेरिएबल में जिस फंक्शन के अंदर बनाया हो उसी फंक्शन में उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर नहीं यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टैटिक के बारे में। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सभी बता दिया 4 का ABCD पूरा। आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई होती है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।